बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, सॉरी। हाँ मारुति, ये क्या है? लड्डू। वही तो मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें तो कहा था तुम कुछ खाते नहीं हो। वो तो मैंने तोड़े हुए फलों के लिए कहा था, और एक बात मैंने कही थी जो तुम शायद भूल रही हो। कौन सी बात? कि जिस दाने पे नाम लिखा होता है वो मिल ही जाता है। वेरी स्मार्ट। पर मैं ये लड्डू अपने दोस्त हनुमान के लिए लाई थी, उस हिसाब से इस पर हनुमान जी का नाम लिखा था। एक ही बात है, मैं खाऊं या तुम्हारा दोस्त खाए, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मुझे उल्लू समझ रखा है, अभी इसी वक्त मेरे दोस्त हनुमान से माफ़ी मांगो। ये कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी हनुमान जी, ऐसे माफी क्या मांगू मैं, ये तो है पत्थर की मूरत। कहती हो भगवान जिसे, वो है बंदर की सूरत। हाय 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 बजरंगबली, ये लड़का है नादान, इसको करना तुम क्षमा, ये तुमसे है अनजान। इंसान का अंतिम समय आता है ना, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अपनी जान बचाकर भाग लिया होगा तेरा दोस्त मारुति। हाँ मारुति, नहीं तो क्या हुआ, मेरा दोस्त हनुमान जरूर कोई फायदा नहीं है लड़की, तैयार हो जा। वैसे आज तेरा हनुमान आएगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि साधु को किसी का डर नहीं, भगवान का भी नहीं। किसकी मौत कब, कहां और कैसे लिखी है? महाकाल के सिवाय कोई नहीं जानता साधु पहलवान। पुरुषोत्तम का सेवक मारुति। ससुरा, हमको हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी। जिस साधु का नाम सुनकर सौ सौ कोस दूर तक बच्चे चड्डी गीली कर देते हैं, वो यहाँ तुम दोनों के बीच खड़ा होकर गंभीर विचार विमर्श कर रहा है। नाम साधु और काम असुरों वाले। छोटे चुप हो जा, एकदम चुप। अंगरक्षक बनता है, भाषण देता है, जो भी है तेरी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। तुझ में कोई ना कोई बात तो है। चल बता, कैसे मरना है तुझको? रामेश्वरी, तुम बाहर जाकर प्रतीक्षा करो। कुछ समझना आए तो हनुमान जी का जाप कर लेना। हाँ तो मरने के बारे में क्या सोचा है? सबसे पहले तुम मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, फिर देखते तुम्हें मारना कैसे है। कसम पैदा करने वाले की लौंडे, तेरी मौत के बाद तेरी चमड़ी का जूता बनाकर पहनेंगे हम। रुक! रुक!
आजा आजा। मारुति आजा, आता क्यों नहीं है? अरे 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 आना। आजा। इधर इधर। अच्छा चल मुझे छोड़ दे, ये बॉल पकड़ के दिखा, पकड़ेगा ना? आजा पकड़, हाँ ना? आजा आजा पकड़। क्या है मालिक? एक नेक और साफ इंसान की बलि।
माँ जी, ये सब क्या है? ये आदमी कौन है? जा, जाकर तेरी बेटी को बाहर ला। जो हुक्म मेरे आका, अभी इसी वक्त, जिंदा या मुर्दा। जो तेरी श्रद्धा हो, बच्चे मुर्दा सही है, क्योंकि मुर्दे बोलते नहीं है। क्या कर रहे हो ये सब? सुना नहीं तूने? ये सब क्या हो रहा है? वो राघवेंद्र जी, मुझे वो लड़की चाहिए इसी क्षण। जो हुक्म मेरे मालिक। ये क्या हो रहा है भाई? तू बीच में मत आ, मेरे पति की जान खतरे में, और तुम कहती हो मैं बीच में ना हूँ? अरे बावली, इससे जो चाहिए था हमें मिल जाएगा ना, तो फिर इसका क्या काम? माई, ये मेरे पति हैं और मैं देखती हूँ मेरे होते हुए इन्हें कोई चू भी कैसे सकता है। तेरी बेटी को होश में लाने के लिए उसे बेहोश करना जरूरी था। आकर इस यंत्र के सामने खड़ा हो जा। रामेश्वरी, ये सब क्यों हो रहा है सुपू? बेटा बेटा, ये जो ककई है ना, ये तुम्हारी सारी जायदाद हड़पना चाहती है। और ये राक्षस कौन है? ये राक्षस भक्षु है। ये हम सबको मार डालेगा। बेटा बेटा, हमारे पास ना समय नहीं है, तुम्हें जाकर प्रभु को बुलाना ही होगा। कौन प्रभु? तुम्हारा दोस्त और अंगरक्षक मारुति, यानी हनुमान जी। क्या? मेरा दोस्त मारुति हनुमान है? हाँ बेटा, मारुति ही हनुमान है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश
नहीं 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 नह